न्यूज 24 या किसी भी न्यूज पर हड़कंप मचा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या है सच है? चलो देखते हैं। नीतीश कुमार दोस्तों, नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री बनना है? यदि राहुल गांधी नीतीश कुमार से कहें कि हमें आपके लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप हमारे में आ जाइए, तो क्या राहुल गांधी की शासन बन सकता है? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? चलिए देखते हैं। क्या है कि यहाँ पर देखिए, बीजेपी के पास यहाँ पर मात्र 241 सीटें हैं, और यहाँ पर दोस्तों 241 जिसमें 16 नीतीश कुमार की हैं। अगर नीतीश कुमार वही अपनी और 28 सीटें लेकर, अपने दलों की 28 सीटें लेकर अगर 233 में मिला देते हैं, 28 प्लस कर देते हैं, तो इनका एवरेज हो जाएगा, इनका एवरेज नरेंद्र मोदी से अधिक हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इनकी शासन बन सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रदेशवार क्या क्या रिजल्ट रहा इस चुनाव में। तो बात करते हैं, यदि देखिएगा, यदि ये अपने समूह की अगर 52 सीटें माइनस कर दी जाएँ तो ये 243 बीजेपी की मात्र बरकेंगी, और यदि इसमें प्लस कर दी जाएँ तो यहाँ पर 286 हो जाएंगी, जो कि राहुल गांधी का एवरेज हो जाएगा। गोदी मीडिया कहती थी 400 पार, अब की बार 400 पार, जो कि मोदी नहीं कर पाए। ये अच्छा नहीं है देश के लिए। मोदी एक अच्छा नेता था, ठीक है, जो मोदी को सपोर्ट करते वो लाइक कीजिएगा कि ये रिजल्ट सही नहीं आया है, लेकिन जो जनता का फैसला है वो मानना होता है। और जनता यदि कहीं कहीं इनकी कमी रह गई होगी बीजेपी की, जिसके कारण दोस्तों नरेंद्र मोदी नेतृत्व नहीं कर पाए हैं। नरेंद्र मोदी सही है, लेकिन जो पार्टी है वो बहुत भ्रष्ट है पार्टी, जैसे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों मामा घोटालों का सरदार है। तो इस प्रकार दोस्तों राहुल गांधी कई साल से राजनीति से दूर है, मतलब वो है सत्ता नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर के विश्वास लौटने लगा है। इस कारण दोस्तों कांग्रेस की वापसी होने लगी है, या यूँ कहेंगे कांग्रेस की वापसी होने लगी है। राज्यवार देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा, आंकड़ा लग जाएगा कि कांग्रेस ने कितनी बढ़त करी है इस बार। चलिए देखते हैं। तो गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में टोटल 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। 2 सीटों में दोस्तों बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 1 सीट कवर कर पाई है और कांग्रेस 1 कवर कर पाई है। तो गोवा में दोस्तों 50-50 का चुनाव रहा है, दोस्तों 50-50 का चुनाव रहा है। बात हम करते हैं बिहार की, तो बिहार में देखिए दोस्तों, बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से जेडीयू 12 सीटें ले गई है, जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, वो 3 सीटें हैं उसके पास हैं, और 12 सीटें यहां पर दोस्तों बीजेपी के पास हैं, जो कि बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है बीजेपी, लेकिन अदर्स यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है, 8 सीटें ले गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 सीटों में से दोस्तों बीजेपी यहाँ फिर घट गई है। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 33 सीटों में सिमट के रह गई, और यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव ने हाथ मार दिया। अखिलेश यादव ने यहां पर दोस्तों क्या है, 37 सीटें से अपना क्षेत्र निकाल लिया, और कांग्रेस ने यहां पर 6 और अदर ने 6। दोस्तों हम बता दें, नीतीश कुमार को मनाने में कांग्रेस पार्टी अगर सक्सेस हो जाती है तो शासन बन सकता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये ऑफर किया है नीतीश कुमार के लिए कि आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। बात करते हैं हम झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से जेजेएम ने 3 सीटें जीती हैं, और बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, और अदर ने 1 सीट जीती है। ये झारखंड का चुनाव है, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, परंतु कांग्रेस ने भी यहाँ पर 2 सीटें ले गई। बात करते हैं उत्तराखंड में, दोस्तों उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, और यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, पूरी 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई, कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला, राहुल गांधी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों नरेंद्र मोदी के जितना भी सपोर्ट करते हुए सभी लाइक कर दीजिएगा, और जो नहीं भी करते वो भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। यहाँ पर देखिएगा अदर्स यहाँ पर 0 आया है। देखिएगा बीजेपी ने बहुत बड़े काम किए, राम मंदिर 370 धारा को हटा के जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र किया, और दोस्तों कई नोटबंदी और GST लागू करके दोस्तों एक ही टैक्स पेयर बनाया, जिससे दोस्तों अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है भारत की, और विदेशों में अच्छी पकड़ बनाई है बीजेपी ने, कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 सीटों में से कांग्रेस के पास 1 ही सीट आई है, और 10 की 10 सीटें दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के पास चली गई, अदर को यहाँ पर कोई खाता नहीं खुला। असम की बात करते हैं तो असम में 14 सीटें हैं, 14 सीटों में से 9 बीजेपी कवर कर पाई है, और कांग्रेस 3 कवर कर पाई है, और आदर्श 2 कवर कर पाए हैं। इस प्रकार दोस्तों असम का चुनाव रहा। असम में दोस्तों बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन फिलहाल उतना भी अच्छा नहीं रहा। हरियाणा की बात करते हैं तो दोस्तों हरियाणा दोस्तों पहले 10 सीटें ही बीजेपी की थी 2019 में, अब दोस्तों यहाँ पर 5 सीटें हर हाथ से चली गई, और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, और 5 इस बार बीजेपी के हाथ में चली गई, अदर्श यहाँ पर कोई खाता नहीं खुला, यहाँ पर 5 सीटों का घाटा लगा बीजेपी के लिए। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 सीटों में से DMK 22 सीटें प्राप्त की, DMK ने
जो क्षेत्रीय दल है उसने कितनी 22 सीटें प्राप्त की और यहाँ पर बीजेपी का कोई खाता नहीं खुला। ये अफसोस की बात है कि दक्षिण भारत में मोदी पर विश्वास नहीं है, दक्षिण भारत में मोदी की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा दाग लग चुका है, कह जाने किस लिए दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया है और कांग्रेस को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है और अदर्स के लिए यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। तो दोस्तों बीजेपी के लिए यहाँ पर कुछ सुधार करना चाहिए, अपना प्रचार करना चाहिए और दोस्तों अच्छे कार्य इनमें करना चाहिए ताकि यहाँ पर लोकप्रियता बढ़ सके। बात करते हैं बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 सीटों में से टीएमसी दोस्तों, टीएमसी यहाँ पर ये भी कांग्रेस का है, एक कांग्रेस है पार्टी है जिसकी दोस्तों 29 सीटें हैं और अपनी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर एक सीट प्राप्त हुई और बीजेपी की यहाँ दोस्तों 12 सीटें प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर दोस्तों अदर पर जीरो। दोस्तों कांग्रेस से उतना बढ़िया तो नहीं है लेकिन बीजेपी कांग्रेस से बढ़िया है और तीसरा विकल्प भी तो अभी फिलहाल हमारे पास में कोई सुदृढ़ खड़ा नहीं है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में दोस्तों 28 सीटें हैं, 28 सीटों में से जीडीएस 2 सीटें ले गई है और बीजेपी दोस्तों 17 सीटें ले गई है और कांग्रेस यहां पर 9 सीटें ले गई है। तो कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का लेकिन कांग्रेस का भी कम नहीं रहा है और अदर्श का देखें तो अदर्श यहाँ पर दोस्तों 0 आई है। केरल में दोस्तों, केरल में 20 सीटें हैं, केरल में 20 सीटों में से यूडीएफ वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है यूडीएफ, वो 18 सीटें ले गई है और बीजेपी को एक ही सीट प्राप्त हो पाई है केरल में। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं, अदर्श की बात की जाए तो अदर्श यहां पर दोस्तों एक सीट प्राप्त कर पाई है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी जगह केरल में बीजेपी ने बना ली है, पिछले साल 19 में नहीं था। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 सीटों में से बीजेपी 8 सीटें ही कवर कर पाई है और कांग्रेस यहाँ पर 8 सीटें कवर कर पाई, मतलब बराबर बराबर 50-50 रहा तेलंगाना में और एक अदर्श वाला ले गया। बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 सीटों में से बीजेपी के पास 19 सीटें प्राप्त हुई हैं और यहां पर कांग्रेस को दोस्तों एक सीट प्राप्त हुई है और अदर्श को यहां पर दोस्तों 0 सीट प्राप्त हुई है। यहां पर दोस्तों उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने और बीजेपी ने यहाँ पर काम भी किया होगा जब तो यहाँ पर दोस्तों 19। दोस्तों यदि आप मोदी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और राहुल गांधी को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं किसके कितने ज़्यादा होते हैं। झारखंड, झारखंड में 14 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटों में से क्या है दोस्तों, बीजेपी के पास 8 सीटें प्राप्त हुई हैं और यहां पर दोस्तों कांग्रेस के पास 2 सीटें प्राप्त हुई हैं और अदर्श के खाते में यहां पर 4 सीटें गई हैं। बीजेपी यहां पर दोस्तों 8 कवर कर पाई है जो कि एक अच्छा आंकड़ा है झारखंड के हिसाब से। बात करते हैं हम यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव में, तो भारत में टोटल 2543 सीटें हैं, यहाँ पर राहुल गांधी को मिलती हुई दिख रही हैं 263 और बीजेपी को 253 और अदर्श में 27। यदि यह 27 दोस्तों और बीजेपी के पास रहती हैं तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे और नरेंद्र मोदी जी सरकार बना जाएंगे। बात करते हैं हम झारखंड में, तो झारखंड में 14 सीटों हैं, 14 सीटों में से दोस्तों 8 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। झारखंड की बात करने के बाद उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में दोस्तों 5 सीटें हैं और 5 की 5 ही बीजेपी को प्राप्त हुई हैं। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें हैं, 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और एक खाते में गई है कांग्रेस के, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। असम की बात, हरियाणा की बात हो चुकी, तमिलनाडु की हो चुकी, बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दोस्तों कितनी 10 ही सीटें बीजेपी अपने खाते में कर पाई हैं और 42 सीटों में से 10 बहुत कम आंकड़ा है और यहां पर दोस्तों टीएमसी जो कि क्षेत्रीय दल है वो यहां पर दोस्तों 20 सीटें ले गया है और कांग्रेस यहां पर एक सीट ही कवर कर पाई है, अदर्श भी यहां पर एक सीट कवर कर पाया है। बात करते गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी ले गई है और यहाँ पर दोस्तों अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, एक ही सीट मात्र नहीं बचा पाई जो कि यहाँ पर कांग्रेस ले गई, बाकी अच्छा प्रदर्शन किया, 26 में से 25 लाया, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का। नरेंद्र मोदी यहाँ से दोस्तों, नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी को बहुत चाहती है, इस कारण ये हो सका। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का यही हाल हमने आपको देख लिया। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का हाल देखिए, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 28 सीटों में से 17 सीटें बीजेपी ले गई है और कांग्रेस यहां पर 8 सीटें ले गई है और अदर्श यहां पर 0 सीटें ले गई है। जीडीएस जो क्षेत्रीय दल है वो 3 सीटें ले गया है। केरल की हमने स्थिति आपके सामने रखी, अब आंध्र प्रदेश की देखिए, आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें ले गई है और कांग्रेस यहां पर 0 कवर कर पाई है, अदर्श यहां पर 0 कवर कर पाई है और यहां की दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो स्थलीय है यूडीएफ वो 17 सीटें ले गई है, यूडीएफ कितनी 17 सीटें ले गई है और एलडीएफ 1 सीट ले जा पाई है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से दोस्तों यहां पर दोस्तों बीजेपी मात्र 3 सीटें ही ला पाई है, कांग्रेस यहां पर 0, अदर्श यहां पर 2 और जो टीडीपी है वो 16 ले गई है। यहां पर टीडीएफ पार्टी दोस्तों अच्छा प्रदर्शन किया, उसने यहां पर 16 सीटें ले गई है और वाईएससीपी ये दोस्तों 4 सीटें ले गई है।
इस प्रकार आंध्र प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन सही नहीं रहा है। और गोवा की बात करें तो गोवा में मात्र 2 सीटें हैं, एक बीजेपी ले गई है और एक कांग्रेस ले गई है, जो कि 50-50 यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और यहाँ पर आदर्श का कोई खाता नहीं खुला है, क्योंकि 2 ही सीटें थीं और 2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में बट गई। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 सीटों में से 12 बीजेपी की और 11 कांग्रेस की और 9 आदर्श की गई हैं, और 11 SSBUT की गई हैं, और यहाँ पर दोस्तों सीनाइट की 5 सीटें गई हैं। इस प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र में भी दोस्तों अपेक्षा के अनुसार बीजेपी को नहीं सपोर्ट मिला है। बिहार में बात करते हैं तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 सीटों में से 12 सीटें ही प्राप्त कर पाया है, और यहाँ पर JDU यहाँ पर दोस्तों 14 सीटें जीत गया है। कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों 2 ही सीटें जीत पाया है, और आदर्श यहाँ पर दोस्तों 7 सीटें जीता है, और LGR 5 सीटें जीता है। यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है दोस्तों, यहाँ पर बस 12 ही सीटें प्राप्त कर पाया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मात्र 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से दोस्तों 33 सीटें ही बीजेपी कवर कर पाई है, और यहाँ पर दोस्तों सपा 37 सीटें कवर कर पाई है। सपा कितनी? 37 सीटें कवर कर पाई है। हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 ही सीटें थीं, जो कि 4 ही सीटों पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और 4 की 4 सीटें अपने खाते में डाल दी हैं। दोस्तों कांग्रेस यहां पर दोस्तों कुछ नहीं मिला है, और यहां पर दोस्तों आदर्श के लिए भी कुछ नहीं मिला है। यहां पर दोस्तों कांग्रेस हताश हुई है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों उसे इग्नोर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों केवल 5 ही सीटें थीं, 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के पास गई हैं, और 2 सीटें उनके क्षेत्रीय दलों के पास गई हैं, और यहां पर 3 सीटें क्षेत्रीय दलों के पास गई हैं, और कांग्रेस को दोस्तों जम्मू कश्मीर ने भी निराश कर दिया, हताश कर दिया दोस्तों, कह दिया कि आप काम की नहीं है हमारे। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 सीटों में से दोस्तों बीजेपी को हताश कर दिया और कह दिया आप मेरे काम की नहीं है, बीजेपी को नकार दिया है, बीजेपी को कुछ नहीं माना है पंजाब में, और कांग्रेस में दोस्तों सपोर्ट किया है, कांग्रेस को सपोर्ट किया है। पंजाब ने 7 सीटें प्रदान की हैं और आदर्श के लिए 6 प्रदान की हैं। दिल्ली की जनता दोस्तों, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, 2019 में भी कुछ नहीं कर पाई थी, और यहाँ पर 2024 में भी कुछ नहीं कर पाई है। सभी पार्टी दोस्तों बीजेपी पूरी सीटें ले गई है, साथ ही साथ कांग्रेस भी यहां से निराश हुई है। दिल्ली की जनता सपोर्ट करती है मोदी को। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से दोस्तों बीजेपी मात्र 14 सीटें ला पाई है, और कांग्रेस दोस्तों यहां पर 8 सीटें ला पाई है, आदर्श यहां पर दोस्तों 3 सीटें ही ला पाया है। दोस्तों इस प्रकार थी दोस्तों राज्यों बार से आपकी जानकारी थी, जो कि आप मध्य प्रदेश का भी देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर 29 सीटें थी, 29 सीटें दोस्तों बीजेपी के खाते में गई हैं, जिससे आप लाइक कर दीजिएगा, और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 गई है। तो दोस्तों ये रही थी आपकी हर प्रदेश की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी प्रदेशवार जानकारी दे दीजिएगा, और शेयर कीजिएगा किस प्रदेश से किसको कितना सपोर्ट मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।